नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिल का सियारी है। फाजिल का मैं आज दैनिक समाचार पत्र सरहद केसरी की 17वीं वर्षगांठ पर सिविल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सरहद केसरी के संपादक राकेश नागपाल, मनोज नागपाल, अमृत सहदेवा, साधन गोकलानी सहित समाज सेवी संगठनों के पदाधिकारी तथा सरहद केसरी टीम के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित रहे। जिस से यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सरहद केसरी की 17वीं वर्षगांठ पर संपादक राकेश नागपाल के माता पिता की याद में यह शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में रक्तदानी पहुंचे, जिनके द्वारा रक्तदान किया गया। इसके साथ ही सरहद केसरी की आज वर्षगांठ पर आरबी लाइव मीडिया की टीम द्वारा केक काटकर सरहद केसरी परिवार को शुभकामनाएं दी गई। जिस से यहाँ पर सरहद केसरी की वर्षगांठ मनाई जा रही है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल। एक प्लेटफॉर्म आरबी लाइव के जो सीईओ रूपेश बंसल, वो इस खुशी के मौके पर सरहद केसरी परिवार का हिस्सा बने हैं और केक काटने के बाद मुख्य संपादक सिविल अस्पताल सरहद केसरी न्यूज पेपर के सतारवें साल प्रवेश लगाया जा रहा। इस इनका जो श्रेय है सतारवें साल पहुंचने का, बच्चों तो इलावा मेरे हर उस पाठक जरा सरहद केसरी का प्यार करता है और मेरी समुची टीम जी मैं अखबार चलाने सहयोग करती है, सहयोग करती है। इवन मेरे एडिटर को लैके थे अखबार वंडन वाले तक अब मैं सारे बधाई देना सतारवें वर्ष में प्रवेश करने पर श्री राकेश नागपाल एम सरहद केसरी के पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इनकी ये सच के बाद पर बेधड़क होकर बहुत वर्षों से संघर्ष करते हुए जब ये पेपर चालू हुआ था, अखबार चालू हुआ था, मुझे मैं तब से इसके साथ इनके इस पेपर के साथ समर्पित हूँ। राकेश जी मेरे परिवार में पारिवारिक मेंबर ही हैं, सदस्य ही हैं, तो इन्होंने इतने संघर्ष, इतनी कड़ी मेहनत करके समाज के सामने सच्चाई को प्रस्तुत किया, किसी की पक्षपात नहीं किया और निर्धारक हो गए, हर फेस पे हर जगह पे चले हैं। इन्हें कई बार अदालतों के नोट्स भी आए, लोगों के उलाम में गिले, समाज को भी कई बार फेस करना पड़ा, लेकिन ये अपनी सच्चाई पर अडिग रहे और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ ये ऐसे ही सच्चाई पर चलते हुए अपने कार्य में आगे, परमात्मा इनको अपने कार्य में आगे बढ़ाए और निर्धारक होकर ये समाज की सेवा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस अवसर पर मैं श्री सुरेंद्र सिन्हा जी को याद ना करूं तो मेरे ब्याह पे मेरे पास में बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी। श्री सुरेंद्र सिन्हा जी का भी इनके साथ शुरू से ही इस सरहद केसरी के लिए संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए, संघर्ष आगे सीढ़ियों पर सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाते हुए राकेश जी के साथ मोटे से मोटा मिलाकर चले हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनका भी सरहद केसरी को ऊपर ले जाने में सरहद केसरी की तरक्की, परिवार की तरक्की के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। श्री अग्रवाल सभा का सरहद केसरी परिवार की आज 17वें वर्ष में प्रवेश करने का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, ये सरहद केसरी के चीफ एडिटर श्री राकेश नागपाल जी,
और इनके भाई उमेश नागपाल जी की माता और पिताजी की याद में लगाया जा रहा है। मैं संत केसरी परिवार के साथ कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इनका कार्य देख के बहुत हैरान होता हूँ कई बार, और मैं इनको कई बार बताता हूँ कि आपके लोग कैसे आलोचना करते हैं और कैसे तारीफ करते हैं। इनके तारीफ करने वाले लाखों हैं और कुछ चंद लोग इनकी आलोचना करने वाले भी हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी आलोचना से डरे नहीं है। आलोचना जो भी करता है उसको सिरे पत्थर लेते हैं और ये अपने आप उस आलोचना से सुधार करने की कोशिश करते हैं। राज केसरी परिवार के 17 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मैं सुभाष अरोड़ा सेक्रेटरी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी फादर का इस परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये इस बधाई के भी पात्र हैं क्योंकि इन्होंने जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है वो अपने माता पिता की याद में लगाया है। माता पिता की सेवा करना सबसे उत्तम सेवा है और जो इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं है। खूनदान से जिंदगियाँ बचाई जा सकती हैं, इनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मैं आखिर में फिर इस परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जो आज ब्लड डोनेशन कैंप हमने सरहद के श्री अखबार के सतारवें वर्ष में प्रवेश करने की खुशी में ये कैंप लगाया और ब्लड डोनेशन सोसाइटी ने पिछले वर्ष भी सरहद के श्री वालों के साथ मिलकर ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था और इस कैंप में बाहर गांवों से और दिव्यांग व्यक्ति ब्लड डोनेट करने के लिए आ रहे हैं और हमारी यही उम्मीद है जब भी किसी बच्चे का जन्मदिन हो और माता पिता की याद में या कोई शादी की सालगिरह हो हमें रक्तदान कैंप लगाना चाहिए ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति जिसको ब्लड की ज़रूरत है वो रक्त के बिना जो ज़िंदगी से जूझ रहा है उसको रक्त की कमी को पूरा किया जा सके। और हमारी यही उम्मीद है, हमारा जो ब्लड बैंक फाजिलका का पूरे पंजाब में दूसरे स्थान पर है, हम यही उम्मीद करते हैं आने वाले इसी वर्ष में जो हमारा ब्लड बैंक है पूरे पंजाब में पहले नंबर पर आएगा। जैसे रक्तदानियों का हमें सहयोग मिलता रहता है, जब भी हमें ब्लड बैंक से कॉल आती है हमें इस ग्रुप की ज़रूरत है तो हमारे जो डोनर हैं तत्पर तैयार रहते हैं और जब भी कोई भी विपत्ति आती है तो हमारे डोनर हर समय तैयार खड़े हैं।